वेटर लेके चलो। ओहो बहुत गर्म है वो। नमस्कार नमस्ते सलाम सत श्री अकाल इट्स वाला एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्त। भाई लोग आज दिन है 16 मई। सो आज हम लोग मतलब मैं और हमारे साले साहब आए हैं। उनको घुमाना भी मांगता ही है। नहीं साला नहीं कहेंगे ब्रो ब्रो, आज के लड़कों को ब्रो बोलना पड़ता है। तो मैं और हमारे ब्रो साहब वी आर गोइंग टू लखीमपुर आर डिस्ट्रिक्ट। वो दरअसल बात यह है कि मेरे पास जो डिप्लोमा वाला पेपर आया था उसके लिए फर्स्ट टाइम में आपको यूनिक आईडी लेनी होती है DI ऑफिस से। सो पेपर्स भी दिए जा रहे हैं, साथ में है मेरे हेलमेट मतलब लोग जा रहे हैं बाइक से। तो भैया वहाँ पे केरला मूवी द केरला स्टोरी वो भी लगी हुई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना मूवी भी एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है कि केरला मूवी ऐसी है वैसी है। अब जाके देख के आते हैं कि कैसी है। लेकिन उससे पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट जाना तो पड़ेगा। सो मैं तो आ गया नीचे। अभी हमारे सौरभ भाई तो आए नहीं है। सौरभ भाई आ जाए तो फिर हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो भैया बीच में हम लोगों को मिल गया भंडारा। आज दूसरा बड़े हनुमान जी का भंडारा चल रहा है रास्ते पर। तो भैया दो दे दीजिए, दो ले बात भैया बात। हनुमान जी का प्रसाद भी ले लिया। अब अभी तो नहीं खाएंगे, रास्ते में खाते खाते जाएंगे। आज हमारा ड्राइवर है सौरभ। बहुत ही जाम लगी है भैया, क्रॉसिंग हो और जाम ना लगे तो बेकार कहानी। हाँ इसीलिए ये बन ही रहा है। अब ये बनने में भैया 2-4 साल लगी। तो भैया हम लोग आ गए लखीमपुर के अंदर, लेकिन मूवी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। मूवी की टाइमिंग है लगभग 1:12:50 वक्त बताया गया है। अभी हम लोगों ने फ़ोन किया था तो जो बंदा करता है यूनिक आई डी के लिए अप्लीकेट, तो भैया वो मिलेंगे हमको DI ऑफिस में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे कुछ चोपड़ा नर्सिंग होम करीब करके है के पास में, उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है वहाँ। सौरभ भैया ने हमारे बुक माई शो ऐप से टिकट बुक करवा लिए थे। 30-40-50 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन भैया बहुत बढ़िया सुविधा है, बिना दौड़ा भागी के टिकट मिल जाता है। क्या है कि ना भीड़ भाड़ में लगना पड़ता है, सीटें भी अपने मन की मिल जाती हैं। बहुत सही ऐप बनाया है लोगों ने। MITU बाला बेटा पढ़ 10/12/88। तो भैया रजिस्ट्रेशन वाला काम तो हो गया, यूनिक आईडी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लग गई थी भूख। सौरभ हमारे बोलने लगे कि भैया चोखा बाटी खाना है। आ जाओ भैया आ जाओ। ओहो बहुत गर्म है वो। लगाया चोखा, ये लगाया प्याज में चटनी। अचार नहीं दिया इसने, जरा अचार चटनी चटनी होगा। अच्छा तो भैया चोखा बाटी खा के बिल्कुल मस्त करारा सा चटनी के साथ मजा आ गया। और अब हम लोग आ गए होटल लैंडमार्क रॉयल। असल में यहाँ रुकना उकना नहीं है, खाना वाना नहीं खाया। ये है फन सिनेमाज, मतलब यही हम लोग द केरला स्टोरी देखने आए हैं।
भैया डबल पे कर दो, डबल डबल पे कर दो। तो भी अभी टाइम है लगभग 10-20 मिनट, तब तक अंदर जाके बैठते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रखा है, चौका बाटी खा के हिचकी आ रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। धूप में हम ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो काले हो जाएंगे। सौरभ हंस रहा है, बात काले होने करो तो हंसने लगता है लौंडा। सर लग रहा है एंट्री शुरू हो गई। ये भी मूवी चल रही है क्रॉस फास्ट, और ये क्या से IB-71 शायद विद्युत जम्वाल की है। सौरभ देखो एंट्री शुरू हो गई क्या। थैंक गॉड कि हम लोगों ने बुक माई शो के टिकट ले लिए थे। अपनी सीट एकदम ऊपर इंटरमिशन में सौरभ बाबू हमारे दो कॉफी, एक गरम कुत्ता मतलब हॉट डॉग खाने वाले हैं और दूसरा क्या है सैंडविच, और भैया कॉफी भी ले रहे हैं। दिस इज कॉफी। वेटर लेके चलो, हमने इतना महंगा वेटर रखा है, सारे काम करता है मेरा। दरवाजा खोलो। सारे काम नहीं करूं। हाँ हम लोग मूवी देख के निकल तो चुके हैं, लेकिन मूवी भैया जबरदस्त, ऐसी मूवी आप लोग बिल्कुल देखें। मूवी में है क्या क्या वो मैं घर जाके बात करूंगा आपसे। तो भाई लोग घर आए, हो गया लगभग 2-2.5 घंटे। घर आके हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि लंच हम लोगों का तो फन सिनेमाज में हो गया था, कुछ हॉट डॉग और कॉफ़ी वगैरह। आज की मूवी का पूरा क्रेडिट सौरभ भाई को जाता है। दरअसल बात यह है कि मेरे पास कैश बिल्कुल था ही नहीं, जो भी था वो गूगल पे पर था, तो मैं जहाँ भी स्कैन करने के लिए मोबाइल उठाता तो सौरभ भाई हमारे अपने पास से कैश पेमेंट कर रहे थे, तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू मूवी दिखाने के लिए। अब बात करें अगर मूवी की, तो मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, मतलब फिल्मों की कहानियां कहीं ना कहीं से हमारे समाज के किसी भी हिस्से से इंस्पायर्ड होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मूवी देख के मुझे एक बात समझ में आई कि गार्जियंस को अपना मैक्सिमम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए, बच्चों को अपने रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, और अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति जब तक आप नहीं बताएंगे बच्चे जानेंगे कहाँ से। बच्चों से दोस्ती जैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनके साथ फ्री नहीं होंगे तब तक वो लोग अपने अंदर की कोई भी बातें जो जाननी है उनको, जो कुछ पूछना है वो किसी और से पूछने की कोशिश करते हैं, कहीं और से जानने की कोशिश करते हैं, बस यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अगर आप लोग उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो वो लोग नॉर्मली इजीली आपसे अपने अंदर की बातें अपने दिल की बातें शेयर कर सकेंगे, जिससे कि आगे कुछ भी गलत
मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, और बाकी जो होगा वो तो ऊपर वाला है ही। इससे ज़्यादा मुझे मूवी के बारे में कुछ नहीं बताना है। फिल्म है, अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, नहीं अच्छी लगती है तो मत देखिए, आपका अपना निजी मामला है। बाकी सौरभ गया हुआ है कहीं मौसी के घर या कहीं गया हुआ है, अभी खाने में क्या बन रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। और सौरभ आ जाए तो खाना खाते हैं, क्योंकि कल सौरभ चला जाएगा, तो आज जल्दी जल्दी सोना है क्योंकि सुबह 7 बजे उसकी बस होती है यहाँ से सीतापुर, सीतापुर से बहराइच। क्योंकि सौरभ कल सुबह जा रहा है तो हम आ गए थे बेल लेने। बेल वो इसलिए है क्योंकि हमारे ससुर जी मतलब पापा जी को बेल बहुत पसंद है और शुगर पेशेंट है, तो उनके लिए अच्छा भी है। तो मैंने कहा दो ले लेते हैं, कल सौरभ जा ही रहा है तो वो लेके चला जाएगा। वहाँ पे दरअसल बेल मिलता नहीं है, बेल वैसे भी आजकल मिलना बंद हो गया। ये कौन पहनेगा? पहनो मुझे पैर। गया पैर गया अंदर हैं? पहनो 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 ये वाला पैर बुचाओ। तो भैया आयु रात की जो नाइट ड्रेस होती है वो पहन रहा है, असल में रात में कहीं हो गई तो क्या करेगा। और भैया हम लोग खाना वाना खा के मस्त बिल्कुल तैयार, सौरभ और तुषार वो लोग ऊपर सो रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में। अरे चुप हो यार, अभी मैं कूलर नहीं लाया हूँ ऊपर से नीचे, शायद कल लाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आप लोग भी अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, आयु बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा 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 पा दो दे दो। हाँ बोलो, फ्लैंक किस कर दो, फ्लैंक किस, वेरी गुड।